अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू फूडीज लाइफ। और ये व्लॉग, ये वीडियो स्पेशली वीकेंड वीडियो है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग एज अ ब्लॉगर, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी तो आपको पता होगा कि मैं ब्लॉगर भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। तो ब्लॉगर होते हुए घर के भी काम, हाँ, हर चीज़ कैसे मैनेज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे। और मेरे पास थी दावत, तो मॉर्निंग में कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब एक लॉन्ग डे है मेरे लिए। तो ब्रेकफास्ट हो गया था जल्दी जल्दी, फिर हमने स्टार्ट किया कुरबानी के मीठे के साथ। हाफ के जी कुरबानी का मीठा लिया था मैंने, इसको ओवरनाइट सोक कर लिया था, नेक्स्ट डे इसको बॉईल करने के लिए 10-12 मिनट्स बॉईल करके रख लिया। मीन वाइल वो बॉईल होता है, हम यहाँ पे शाही टुकड़ा बनाने के लिए ब्रेड को कट कर लेंगे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रेड कट कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से, यूजुअली कट करा हुआ मिलता है, मगर यहाँ पे ब्रेड के मीठे के लिए अलग स्पेशल ब्रेड मिलती है, तो वो हम लोग यूज़ कर रहे थे। आफ्टर 12 मिनट्स ये इसको फुली कुक नहीं करना है, सिर्फ बॉईल देना है ताकि इसके अंदर की जो बीज है आसानी से निकल जाए। इसको हम निकाल लेंगे, इसका पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका पानी वैसे ही रखेंगे। इसके ही पानी में हम डालेंगे हाफ के जी, हमने हाफ के जी कुरबानी लिए थे तो हाफ के जी शक्कर लेंगे, शुगर। आप देख के डालिए, हर जगह की शक्कर का मतलब बाज बहुत मीठी होती है, बाज थोड़ी सी पीकी होती है, तो ये मैं हाफ के जी शक्कर यूज़ किया हूँ। उसको वही पानी में शीरा बनाना है, शीरा मींस बहुत ही गाढ़ा नहीं, बहुत पतला नहीं, मतलब अच्छा थिक होना चाहिए, ठीक है। मीन वाइल ये शीरा प्रिपेयर होता है, 15-20 मिनट्स में शीरा बन जाता है, मीन वाइल वो प्रिपेयर होता है, तो हम इसके बीन्स निकाल लेंगे। देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप प्रेस करते के साथ ही ये जो बीन्स है वो निकल जाए। फिफ्टीन मिनट्स के बाद इस तरीके से जब शीरा बन जाएगा, आपकी जो कुरबानी है वो आप डाल के इसको 20-25 मिनट्स कुक करिए। अगर आपको थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा पानी डालिए, क्योंकि थोड़ा सा वो लूजन अप रहता है। अब इसको 15-20 मिनट्स आप अच्छे से कुक करिए। मैं एंड में आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगी, मैं काफ़ी बिजी थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। अच्छा, ये चीज़ का मैं आपको बता दूं, मैं चिकन तनविया की यूज़ करती हूँ, फ्रेश चिकन, इनका ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी है घर पर, आप नो मिनिमम ऑर्डर्स तो आपको घर पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही थी ग्रीन चिकन, हरे मसाले का चिकन, तो चिकन को तेल अच्छा भुनने के बाद प्याज, 3 डली प्याज ली थी मैं, और हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना, ये डाल के ग्राइंड करके इसको हम डाल के 20-25 मिनट्स अच्छी तरीके से पकाएंगे, भुनेंगे अच्छी तरीके से। तो ये यहाँ पर रेडी हो रहा था, बिरयानी का मसाला रेडी था, मटन की बिरयानी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंशन की हूँ कि दावत की प्रिपरेशन चल रही थी। यहाँ पे मरग रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था मरग, मैं मरग की ऑलरेडी रेसिपी मैं शेयर करी हुई हूँ, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। यहाँ पर हमारे मीठे रेडी हो गए थे, डबल का मीठा, कुरबानी का मीठा, और उसके ऊपर फ्रेश क्रीम हमने डाल दिया था, सैलड, हर चीज़ रेडी था। ये थर्सडे नाइट की बात है, थर्सडे पूरा दिन बड़ी ही थकान का था, और ये नेक्स्ट डे है फ्राइडे, और मेरी सुबह स्टार्ट होती है कॉफ़ी से या चाय। चाय यूजुअली मैं नहीं पीती, मगर कॉफ़ी स्पेशली जब एक लॉन्ग डे हो तो फिर कॉफ़ी इज़ अ मस्ट। अगर आप हैदराबाद से हैं और रात में बिरयानी बन जाए दावत की,
तो नाश्ते में बिरयानी खाते हैं यूजुअली। मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैं बिरयानी ही नाश्ते में खा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के हम बाहर निकल जाएंगे। ये केक आया है आनी दानी से, जो गेस्ट आए थे मेरे पास उन्होंने लाए थे ये केक, और इतना ही मज़े का केक, आई हैव नेवर ईटन सच केक। ये गैलेक्सी केक था आनी दानी का, बहुत ही मज़े का है। चलिए अब बाहर चलते हैं, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करना था। मेरे पास गेस्ट आए हुए हैं तो गेस्ट के साथ हम बाहर जा रहे थे, बहन आई हुई थी तो उनके साथ हम बाहर जा रहे थे, तो बस इंजॉय करते हैं। एक कैफ़े को जाएंगे हम लोग, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन के कॉफ़ीज़, और आप समझ गए होंगे अगर आप रियाद में रहते हैं तो ये कौन सी जगह है। हम लोग आए हुए हैं मिनियम्स के अतराफ, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज, सब चीज़ें, बहुत ही अच्छी जगह है। आपको एक से चार ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आए थे हम ब्लॉग बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे आप जाइए इसका ब्लॉग देखेंगे, काफ़ी बहुत ही प्यारी जगह है आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी प्राइसी है पर बहुत अच्छी जगह है, लाइक वर्थ है। तो ये सब हमने लिया था और दूसरी चीज़ें भी ली थी, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई हैं। तो होप यू लाइक माई वीडियो, यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड